नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। गुजरात में अहमदाबाद के एक कोविड 19 अस्पताल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल में इलाज करा रहे 8 मरीजों की मौत हो गई। इन 8 मरीजों में 3 महिलाएं हैं। ये हादसा नवरंगपुरा के श्रेय अस्पताल में विस्फोट से हुआ है। आग की घटना के बाद करीब 40 मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आग लगने से जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से दुखी हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं, घायल लोगों के ठीक होने की कामना करता हूं। इस घटना को लेकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर की बात की है मेयर से बात इस घटना को लेकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर से बात की है। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। सीएम विजय रूपाणी ने अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगने की घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह जांच का नेतृत्व करेंगी। सीएम ने 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।